चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की आज की सभी ताजा बड़ी महत्वपूर्ण सिलेक्टेड और काम की खबरों को केवल एक वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई अन्य खबरें देखने की जरूरत नहीं होगी, तो बड़े इत्मीनान से इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देख लें। अभी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई बड़े घोषणा, बड़े बदलाव कर दिए हैं, बड़ी खबरें हैं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों जो भी इस वीडियो को लाइक और शेयर करे, भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा उस पे बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना है। उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी से शुरू होगा डिजिटल सर्वे, 20 दिसंबर तक होगा पूरा, सर्वेयर और सुपरवाइजर का चयन। जी हां, आपको बता दी कि केंद्र सरकार की एक ग्रीन टेक योजना के तहत प्रदेश के सभी 75 जिलों में रबी फसलों की खसरा पड़ताल डिजिटल सर्वे का कार्य 1 जनवरी से शुरू होगा। 15 फरवरी तक चलने वाले डिजिटल क्रॉप सर्वे के दौरान हर खेत के सर्वे का निर्णय लिया गया है। खरीफ फसल के दौरान पहली बार हुए डिजिटल क्रॉप सर्वे के तहत 21 जिलों में पूर्ण रूप से, जबकि 54 जिलों के 10-10 गांव में सर्वे का कार्य किया गया था। उत्तर प्रदेश में एसआई ने फिर नहीं सौंपी ज्ञान वापिस सर्वे रिपोर्ट, चौथी बार और वक्त मांग लिया, 18 दिसंबर अब नई तारीख। जी हां, आपको बता दी कि ज्ञानवापी मामले में एसआई ने एक बार फिर सर्वे रिपोर्ट दाखिल नहीं की, बल्कि कोर्ट से चौथी बार और वक्त मांग लिया। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सुनवाई शुरू होने से ऐन पहले एसआई ने एक हफ्ते और वक्त देने के लिए अर्जी लगा दी। पहले भी एसआई सर्वे रिपोर्ट के लिए 3 बार मियाद बढ़ाई जा चुकी है, तब एसआई ने रिपोर्ट तैयार न होने का हवाला दिया था, लेकिन इस बार संबंधित अधिकारी की तबीयत ठीक न होने का हवाला देते हुए एक हफ्ते और देने की मांग की गई। कोर्ट ने एसआई की अर्जी को स्वीकार करते हुए 18 दिसंबर को अगली तारीख दे दी है। उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी, इन छात्रों के खाते में योगी सरकार डालेगी कोचिंग के लिए रुपए। जी हां, आपको बता दें कि कुछ दशक पहले तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए कहा जाता था कि आईएएस बनाने की फैक्ट्री है, लेकिन पिछले कई वर्षों से सिविल सेवा परीक्षा में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के चयन का ग्राफ गिरा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अब डॉक्टर अम्बेडकर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गयी है, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 7 दिसंबर से शुरू है। इसमें ओबीसी और अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को 1 वर्ष के लिए छात्रवृत्ति के साथ फ्री में कोचिंग की सुविधा दी जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको आवेदन करके एक एंट्रेंस टेस्ट पास करना होगा। जम्मू कश्मीर में वापस नहीं लगेगा अनुच्छेद 370, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सीएम योगी ने किया स्वागत। जी हां, आपको बताने की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करके संबंधित केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखने के उच्चतम न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया और कहा कि यह फैसला एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूती प्रदान करने वाला है। आदित्यनाथ ने एक पोस्ट में कहा, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 370 और 35 के संबंध में दिया गया निर्णय अभिनंदनीय है, यह एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूती प्रदान करने वाला है। दोस्तों, आपको बताने की एक याचिका लगाई गई थी जिसमें अनुच्छेद 370 को वापस लगाने की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। यह काफी ऐतिहासिक फैसला है। उत्तर प्रदेश में भारी विरोध के बीच लोधीपुर में गर्जा बुलडोजर, 30 मकान दुकान किए गए ध्वस्त। जी हां, आपको बताने कि शाहजहांपुर के लोधीपुर में भारी विरोध के बीच 30 अतिक्रमण ध्वस्त कर दिए गए। नगर निगम की टीम सुबह ही बुलडोजर लेकर पहुंच गई थी। इस दौरान दुकानदारों ने सामान हटाने की मोहलत मांगी, लेकिन अफसरों ने पहले ही नोटिस दिए जाने की बात कही। हालांकि शाम को काफी विरोध के बाद 2 दिन का समय बचे 10 लोगों को दिया गया। यूपी में अखिलेश का भाजपा पर निशाना, चीन की घुसपैठ पर सरकार की चुप्पी, देश पर पड़ेगी भारी। जी हां, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भारत की सीमा में चीन की घुसपैठ जारी है और केंद्र सरकार चुप्पी साध कर बैठी है। सरकार की चुप्पी देश के लिए एक बड़ी परेशानी खड़ी करेगी। सपा मुखिया एक शादी समारोह में शामिल होने नगला मर्दान पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत में अखिलेश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 370 पे अपना निर्णय सुना दिया है, अब इसे सभी मानेंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा में 370 को लेकर समाजवादी पार्टी ही नहीं, अन्य दलों खासकर कश्मीर के नेताओं ने सवाल उठाए थे, जिनमें कई का जवाब सरकार नहीं दे पाई थी। उन्होंने कहा, आज जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, अब इस पर कोई नई बात नहीं कही जा सकती। उत्तर प्रदेश में एनपीएस से पहले इन लोगों को मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ, हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश। जी हां, आपको बताने के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विज्ञापन संख्या 1/2002 के तहत नई पेंशन योजना लागू होने के बाद नियुक्त सहायक अध्यापक याचिकाओं को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि नई पेंशन स्कीम लागू होने से पहले के विज्ञापन से चयनित सहायक अध्यापकों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। इसी के साथ कोर्ट ने सरकार के इस तर्क को मानने से इनकार कर दिया कि सहायक अध्यापकों की नियुक्तियां नई पेंशन स्कीम लागू होने के बाद की गई है, इस कारण वे नई पेंशन स्कीम में होंगे। यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने नंदलाल यादव समेत कई याचिकाओं पर दिया।
यूपी के शहर में पुलिस का बड़ा एक्शन, 8 मस्जिदों से उतरवाए 12 लाउड स्पीकर, 9 पर रिपोर्ट दर्ज। जी हां, आपको बता दें कि यूपी के बरेली में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। शासन के निर्देश पर जिले भर में एक बार फिर धर्मस्थलों पर लगे अवैध और तेज लाउड स्पीकरों की जाँच का अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने 8 मस्जिदों पर अवैध रूप से लगाए गए 12 लाउड स्पीकर उतरवा कर 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। शासन के निर्देश पर पिछले दिनों जिले भर में लाउड स्पीकर की जांच का अभियान चला था। इस दौरान अवैध लाउड स्पीकर उतरवाने के बाद उन्हें हिदायत देकर छोड़ दिया गया था। यूपी के किसानों को कृषि उपकरणों की खरीद पर 50 लाख तक अनुदान दे रही सरकार, 14 दिसंबर को हो जाएगा आवेदन बंद। जी हां, आपको बता दें कि मोदी सरकार ने किसानों को बढ़ावा देने के लिए कई स्कीम लागू की है। इसी के तहत अब योगी सरकार भी किसान को बढ़ावा देने के लिए कृषकों के लिए नई स्कीम लाई है। इस स्कीम के तहत योगी सरकार किसानों को 4 से 50 लाख रुपए तक का अनुदान देगी। योगी सरकार के इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी आखिरी तारीख 14 दिसंबर है। इस योजना का लाभ उठाकर किसान बीज उत्पादन, प्रसंस्करण, पैकिंग, मोबाइल आउटलेट और स्टोर की स्थापना कर सकते हैं। इसमें 10,000 से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों के आवेदन के लिए बुकिंग प्रक्रिया भी चल रही है। अगर आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो आपको सब्सिडी देगी सरकार। लाभार्थियों का चयन ई लॉटरी से होगा। agriculture.up.gov.in पर जाएं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ की तहजीब पर राष्ट्रपति ने की तारीफ। द्रौपदी मुर्मू बोली, यहाँ मैं की जगह हम बोला जाता है, जो भारत को जोड़ना सिखाता है। जी हाँ, आपको बताने की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वाराणसी के बाद वो सीधे लखनऊ पहुंची। यहाँ वह डिवाइन हार्ट फाउंडेशन के 27 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान राष्ट्रपति ने लखनऊ की तहजीब और नफासत की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, मुझे लखनऊ आना बहुत अच्छा लगता है। मेरा जन्म भले लखनऊ न हुआ हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जन्म यही हुआ है। लेकिन मैंने नोट किया है कि यहाँ के लोग मैं की जगह हम का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार अकेला व्यक्ति भी अपने आप को समूह से जोड़कर देखता है। यह भावना भारत की एकता को बढ़ाता है। उत्तर प्रदेश में बिकरू कांड के आरोपी और विकास दुबे के करीबी को 3 साल की सजा। जी हां, आपको बताने की बहुचर्चित बिकरू कांड के आरोपी और विकास दुबे का करीबी दयाशंकर को एंटी डिकेटिव फोर्ट ने विस्फोटक अधिनियम में 3 साल की सजा सुनाई है। बिकरू में सीओ समेत 8 पुलिस वालों को मारने के बाद दयाशंकर के राशन की दुकान में तलाशी के दौरान 7 विस्फोटक बरामद हुए थे। वह मुख्य घटना में आरोपी भी है। कानपुर देहात के चौबेपुर थाने के बिकरू गाँव में 2 जुलाई 2020 को विकास दुबे के गैंग ने क्या किया था आपको पता होगा ही, उसी के मामले में यह भी आरोपी था और इसे आज सजा सुना दी गयी। यूपी में आवारा जानवर से टकराई वंदे भारत एक्सप्रेस, इंजन की बॉडी और एक कोच का टूटा शीशा। जी हां, आपको बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस एक बार फिर जानवर से टकरा गई। दरअसल दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से चलकर रानी कमलापति स्टेशन की ओर जा रही वंदे भारत ट्रेन से देर शाम जानवर टकरा गया। घटना में इंजन के आगे की बॉडी के साथ कोच संख्या C9 का शीशा टूट गया। लोको ड्राइवर ने गाड़ी रोककर इंजन की जांच की और इसके बाद ही ट्रेन आगे रवाना हुई। सोमवार को वंदे भारत ग्वालियर से रवाना हुई थी, तभी सोनागिरी यार्ड में पटरी पर घूम रहे आवारा जानवर से टकरा गई। तेज आवाज सुनकर चालक ने गाड़ी रोक दी। उत्तर प्रदेश के बेटे के बाद अब यूपी के दामाद के हाथ रहेगी मध्य प्रदेश की सत्ता। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बेटे के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार की कमान प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के दामाद के हाथ होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे मोहन यादव के ससुराल सुल्तानपुर में है। उधर यूपी में जन्मे और पढ़े युवाओं ने देश के विभिन्न प्रदेशों की राजनीति में धाक जमाई है। भाजपा ने 2004 में बाबूलाल गौर यादव को एमपी का मुख्यमंत्री बनाया था। बाबूलाल का जन्म 2 जून 1930 को प्रतापगढ़ में हुआ था। तो यूपी वाले काफी कमाल कर रहे हैं, एक लाइक तो बनता है। उत्तर प्रदेश में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर नहीं हुई जयाप्रदा। जज ने गिरफ्तार कर पेश करने का दिया आदेश। 5 बार जारी हो चुका है गैर जमानती वारंट। जी हां, आपको बता दें कि फिल्म अभिनेत्री और रामपुर के पूर्व सांसद जयाप्रदा सोमवार को भी कोर्ट में हाजिर नहीं हुई। उनके खिलाफ रामपुर कोर्ट में आचार संहिता उल्लंघन के 2 मामले विचाराधीन हैं। हाजिर नहीं होने पर कोर्ट ने रामपुर एसपी को जया को गिरफ्तार कर पेश करने का हुक्म दिया है। साथ ही दोनों जमानतियों को भी नोटिस जारी किया है। रामपुर की कोर्ट में कई बार पेश न होने के चलते पूर्व सांसद और मशहूर सिनेमा अभिनेत्री जयाप्रदा के खिलाफ 5 बार गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। उत्तर प्रदेश में पोलियो ड्रॉप पीने से 3 माह के मासूम की तबीयत बिगड़ी, चल बसी। सीएमओ बोले, पंचनामा रिपोर्ट में होगा खुलासा।
जी हाँ, आपको बता दें कि उन्नाव में 3 माह के मासूम की पोलियो ड्रॉप पिलाने के बाद हालत बिगड़ गई और कुछ घंटे बाद चल भी बसी है। कमेंट में ओम शांति लिखे, फिलहाल परिजन उसे लेकर डीएम कार्यालय पहुंचे तो अफरा तफरी का माहौल हो गया। परिजनों से बात की गई है, डीएम के निर्देश पर सीएमओ को मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने पंचनामा करने के बाद कही तो परिजनों ने इनकार कर दिया। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पुरानी बाजार का है। यूपी में विवादित टिप्पणी के आरोप में नूपुर शर्मा पर कार्रवाई की मांग, मुस्लिम जमात ने दी तहरीर। जी हां, आपको बता दें कि नूपुर जय शर्मा के खिलाफ बरेली के थाने में शिकायत की गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पहुंचकर उनके खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया। सोमवार को जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी की तरफ से दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा गया कि एक वेबसाइट के संपादक नूपुर शर्मा ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ किसान में गुस्ताखी की है। उनके बयान से मुस्लिम समाज के लाखों लोगों के दिलों को ठेस पहुंची है। मुस्लिम समाज उनके बयान की कड़ी निंदा करता है। उत्तर प्रदेश में कोचीन से अयोध्या के लिए रवाना हुई वाटर मेट्रो, पीएम मोदी इसी पर सवार हो रामनगरी की आभा को करेंगे आत्मसात। जी हां, आपको बताने कि उत्तर प्रदेश में अभी तक आपने रेल मेट्रो का नाम सुना होगा, अब सरयू नदी में वाटर मेट्रो का संचालन शुरू होने जा रहा है। इस वाटर मेट्रो का शुभारंभ भव्य दिव्य राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में यजमान बनकर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में कराने की तैयारी है। जल पर्यटन के लिए प्रदेश की पहली वाटर मेट्रो बताई जा रही है, जिसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड में किया गया है। जलमार्ग से कोलकाता से पटना होते हुए अयोध्या आने वाली वाटर मेट्रो कोचीन से रवाना हो गई है, जिसको हर हाल में पीएम के कार्यक्रम से पहले अयोध्या पहुंचना है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ से पटना देहरादून के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलेंगी, सफर होगा और आसान। जी हां, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले नए साल में लखनऊ से ट्रेनों का सफर और आसान होने जा रहा है। उत्तर और पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन लखनऊ से मुंबई, पुरी, कटरा, देहरादून और पटना के लिए नई ट्रेनें चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। एक ओर जहां लखनऊ से पटना देहरादून के लिए वंदे भारत ट्रेनें चलेंगी, वहीं दूसरी ओर गोमती नगर स्टेशन से पुरी, जम्मू कश्मीर के कटरा और मुंबई की ट्रेनें पटरी पर उतरेंगी। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल का गोमती नगर रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। यूपी के बरेली में रिश्वत लेने की आरोपी महिला दरोगा की जमानत अर्जी खारिज, गिरफ्तारी का डर दिखाकर मांगे थे 25,000 रुपए। जी हां, आपको बताने की यूपी के बरेली में मुकदमे में गिरफ्तारी का डर दिखाकर 5,000 रुपए रिश्वत लेने की आरोपी मुरादाबाद की महिला उप निरीक्षक की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। यह आदेश विशेष न्यायाधीश पीसी एक्ट प्राण विजय सिंह ने किया। घटना जिला मुरादाबाद के थाना डिलारी की है। इस मामले की शिकायत मुरादाबाद की रहने वाले हसमत अली ने भ्रष्टाचार निवारण संगठन मुरादाबाद के कार्यालय में की थी। शिकायत में कहा कि उनके खिलाफ कई मुकदमे पंजीकृत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा बयान, तलाकशुदा बीवी को 21 साल तक गुजारा भत्ता न दिला पाना मानवाधिकार का हनन। जी हां, आपको बताने की यूपी हाई कोर्ट ने एक आदेश में कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता दिलाने में देरी मानवाधिकार का हनन है। शौहर अपनी तलाकशुदा बीवी को गरिमा में जीवन जीने से वंचित नहीं कर सकता। न्यायिक प्रक्रिया के बहाने पति को पत्नी का शोषण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया न्याय देने में बाधक नहीं बन सकती, प्रक्रियात्मक उलझाव के कारण न्याय रथ का पहिया रुक नहीं सकता। इसी के साथ कोर्ट ने कहा कि पिछले 21 साल से गुजारा भत्ता का एक पैसा भुगतान न होना पाना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। एमपी में मोहन भागवत को सीएम बनाए जाने पर सपा के प्रमुख नेताओं ने साधी चुप्पी, किसी ने भी फोन नहीं उठाया। जी हां, आपको बता दें कि मोहन यादव को मध्य प्रदेश का सीएम बनाए जाने पर उत्तर प्रदेश में सपा के प्रमुख नेताओं ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यूपी, बिहार व हरियाणा में यादव मतदाताओं को लुभाने की रणनीति के तहत मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश में जहां करीब 10-12% आबादी यादवों की है, वहीं बिहार में इनकी संख्या 14.26% और हरियाणा में 10% के आसपास है। वर्ष 2001 में तत्कालीन सीएम राजनाथ सिंह के कार्यालय में गठित हुई हुकुम सिंह कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार यूपी में भी पिछड़ी जातियों में सबसे ज्यादा यादवों की संख्या है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में ओपी राजभर ने सुहेलदेव की प्रतिमा का किया अनावरण। बोले, सुहेलदेव हनुमान की तरह थे, नाम लेने से भूत प्रेत की बाधाएं खत्म हो जाती हैं। जी हां, आपको बताने की जौनपुर के गौरा बादशाहपुर में ग्रामीणों के आर्थिक सहयोग से बनाई गई राजा सुहेलदेव की प्रतिमा का सोमवार को सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने फीता काटकर अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजा सुहेलदेव हनुमान जी की तरह थे, जिस तरह हनुमान जी का नाम लेने से भूत प्रेत की बाधाएं खत्म हो जाती हैं, वैसे सुहेलदेव का नाम लेने से समाज में भय फैलाने वालों का विनाश हो जाता है।
उत्तर प्रदेश में सरकार के खिलाफ भाकियों ने की नारेबाजी। किसान नेता बोले, केंद्र सरकार कर रही वादा खिलाफी। आंदोलन के बाद से किसानों की नहीं मानी मांग। जी हां, आपको बता दें कि सहारनपुर जिला मुख्यालय पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने प्रदर्शन किया। भाकियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। भाकियों के जिला अध्यक्ष चौधरी राजपाल सिंह ने कहा, किसानों की मांगों को लेकर 13 माह तक दिल्ली बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन किया गया था। सरकार ने किसानों की शर्तों को मानने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक एक भी मांग किसानों की पूरी नहीं हुई। भाकियों ने राष्ट्रपति को प्रेषित ज्ञापन डीएम को सौंपा। उत्तर प्रदेश में आज से 15 जनवरी तक नहीं चलेंगी 44 ट्रेनें। यात्रा के लिए निकलने से पहले जरूर चेक कर लें लिस्ट। जी हां, आपको बता दें कि अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले रेलवे वहां के लिए कनेक्टिविटी बेहतर करने पर जुटा है। इसी के लिए बाराबंकी स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग का काम 12 दिसंबर से 15 जनवरी तक चलेगा। इसके मद्देनजर रेलवे ने 44 ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया, जबकि 4 ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनेट की गई हैं, वहीं 67 ट्रेनें बदले मार्ग से चलाई जाएंगी। इनमें गोंडा स्टेशन से गुजरने वाली बलरामपुर इंटरसिटी, बरौनी एक्सप्रेस, मथुरा छपरा एक्सप्रेस जैसी 2 दर्जन प्रमुख ट्रेनें भी शामिल हैं। तो अगर आपको कहीं जाना हो तो एक बार चेक जरूर कर लें। उत्तर प्रदेश में 9वीं क्लास के छात्र ने एआई तकनीकी की मदद से बनाया टीचर का गंदा वीडियो, इंस्टाग्राम पर किया वायरल। जी हां, आपको बता दें कि यूपी के गोरखपुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक शिक्षिका का आपत्तिजनक वीडियो उसी स्कूल के 9वीं के छात्र ने इंस्टाग्राम पर वायरल कर दिया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कंप्यूटर की बुद्धि की मदद से उसने शिक्षिका का वीडियो बनाया। शिकायत की जाँच साइबर सेल के एक्सपर्ट शशि शंकर राय, शशिकांत जायसवाल और नीतू नाविक की टीम ने करके शाहपुर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी को धर पकड़ा है। यह मामला गोरखपुर के शाहपुर के एक मोहल्ले का है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश क्यों खुश है? आकाश आनंद को बीएसपी की विरासत मिलने से बोले, उम्मीद है कि। जी हां, आपको बता दें, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा अपने भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित किए जाने से बेहद खुश हैं। अपने प्रतिक्रिया में उन्होंने यह खुशी जाहिर करते हुए बसपा पर तंज भी कसा। दरअसल मायावती ने पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में आकाश आनंद को विरासत सौंपने का ऐलान किया था। सपा मुखिया ने कहा कि इस निर्णय की हमें खुशी है, लेकिन उम्मीद यह भी है कि नए नेतृत्व के साथ बसपा भाजपा से दूरी बनाए रखेगी और अपनी विचारधारा पर कायम रहेगी। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा केंद्र बनाने में पिछले 60 से अधिक जिले। 22 फरवरी से है परीक्षा। जी हां, आपको बताने की यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 के केंद्र निर्धारण में 60 से अधिक जिले पिछड़ गए हैं। बोर्ड ने केंद्र निर्धारण के लिए डेडलाइन 28 नवंबर से बढ़ाकर 10 दिसंबर कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद तमाम जिलों में अभी जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन नहीं मिला है। यहां तक कि प्रयागराज में ही केंद्रों की सूची फाइनल नहीं हो सकी है। यह स्थिति तब है जबकि हाईकोर्ट ने बोर्ड परीक्षा से 3 महीने पहले केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों के अनुसार अभी मुश्किल से 10-12 जिलों ने ही केंद्रों की सूची उपलब्ध कराई है, जिसका परीक्षण चल रहा है। परीक्षण के बाद वेबसाइट पर सेंटर की लिस्ट अपलोड होगी। उत्तर प्रदेश में अब कुछ दिन सताएगी सर्दी। पछुआ हवाओं ने बढ़ाई ठंडक। कई शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे पहुंचा। जी हां, आपको बता दें कि पछुआ हवाओं का असर रातों को सर्द कर रहा है, जिससे पारे में गिरावट का दौर जारी है। प्रदेश के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम पारे के साथ मुजफ्फरनगर सबसे ठंडा रहा। लखनऊ में भी तापमान सीजन में पहली बार 10 डिग्री से नीचे आ गया। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, सतही स्तर पर हवा की दिशा उत्तर पश्चिम की ओर है। आगामी 2-3 दिनों तक मौसम ऐसा ही बने रहने के आसार हैं। साथ ही हवाओं के प्रभाव से कोहरा भी बढ़ने की संभावना है। यूपी विधान परिषद में खाली हो रही एमएलसी की 13 सीटें। इस पार्टी के सहयोग से सपा को मिलेगा नेता प्रतिपक्ष का पद। जी हां, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी विधान परिषद में अगले वर्ष मई में नेता प्रतिपक्ष का पद फिर मिल जाएगा। 100 सीटों वाले विधान परिषद में सपा के मात्र 9 सदस्य हैं। इस कारण पिछले वर्ष जुलाई में नेता प्रतिपक्ष का पद उससे छिन गया। नेता प्रतिपक्ष के लिए न्यूनतम 10 सदस्यों की जरूरत होती है। यह संख्या मई में रिक्त हो रही सीटों के चुनाव में पूरी हो जाएगी। विधान परिषद में अगले वर्ष 5 मई को एमएलसी की 13 सीटें रिक्त हो रही हैं। इसमें भाजपा की 10, सपा अपना दल व बसपा की 1-1 सीट शामिल है। यूपी के गाजीपुर में सीएमओ कार्यालय पर आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बकाया भुगतान की उठाई मांग। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों पर लगाया गंभीर आरोप। जी हां, आपको बता दें कि गाजीपुर में जिला स्तर पर चिकित्सा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए आशा कार्यकर्ताओं को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन उनकी बकाया सैलरी का भुगतान नहीं होने से आशा कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से गाजीपुर के सीएमओ कार्यालय पर एकजुट होकर धरना प्रदर्शन किया और जल्द बकाया भुगतान की मांग की। विकसित भारत 2047। छात्र शिक्षक कर्मचारियों ने सुना पीएम मोदी का संबोधन।
जी हां, आपको बता दें कि नीति आयोग के विकसित भारत 2047 का शुभारंभ हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया। पीएम मोदी ने विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, कुलपतियों, महाविद्यालयों के शिक्षक व छात्र छात्राओं को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर लाइव स्ट्रीमिंग की गई, जिसमें अधिकारियों, छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री के उद्बोधन को सुना। इसमें सुना कि कैसे भारत 2047 तक एक विकसित देश बन जाएगा। उन्होंने कहा, यदि भारत के युवा कृत संकल्प हो जाए तो निश्चय ही भारत 2047 तक एक विकसित देश बन जाएगा। इसके लिए जन भागीदारी की जरूरत है, नए क्षेत्रों में अवसर तलाश करने और उसमें आगे बढ़ने की जरूरत है, जिससे भारत एक बार फिर से विश्व गुरु बन जाएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना है। प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यूपी के रोज के ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लें।